हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और आज हम मुनस्यारी आए हुए हैं। तो दोस्तों खलिया टॉप जाना तो बनता है। खलिया टॉप की चढ़ाई दोस्तों बलाती बैंड से शुरू होती है, तो मेरे इस सफ़र में आप मेरे साथ चलिए। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं खलिया द्वार, यहाँ से खलिया टॉप 8 किलोमीटर है। और अगर आप अपने व्हीकल्स लाए हैं तो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, यहीं पर पार्क करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स सामने है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर, और यहाँ से आप स्नो से रिलेटेड चाहे वो बूट हो स्टिक्स हो वो परचेज कर सकते हैं। ये जो साइड में रास्ता दिख रहा है दोस्तों, ट्रैक यहाँ से शुरू होता है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए पूरे पेड़ में 9 बज चुका है पर अभी तक बर्फ़ है। आगे हो सकता है बर्फ़ की क्वांटिटी और इंक्रीज़ हो जाए, तो देखते हैं आगे कितनी बर्फ़ है। देखिए दोस्तों चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। सामने पंचाचुली पीक्स का अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इनको छू पा रही हूँ। दोस्तों आपको सामने दिख रहे हैं अल्पाइन रिजॉर्ट्स, ये KMVN के हैं, और यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं या स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बर्फ कितनी है, आधे पिलर्स तक ढक चुके हैं। आपको सामने रुकने की सुविधा दिख रही है, आप यहाँ रुक भी सकते हैं या तो चाय कॉफ़ी और मैगी खा के आप आगे जा सकते हैं ट्रैक के लिए। यहाँ से ऊपर खलिया टॉप लगभग 4 किलोमीटर है। देखिए पूरी छत बर्फ़ से ढकी हुई है और सामने एक कोटेशन लिखी हुई है, आपको अगर पसंद आए तो आप उसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब बर्फ़ में आ ही गई हूँ तो बर्फ़ में खेलना तो बनता है, तो मैंने पूरा मन भर के बर्फ़ में खेला है। यहाँ से पंचाचुली पीक्स बिल्कुल बहुत ही प्यारे दिख रहे थे, और यहाँ फोटोज़ वगैरह भी बहुत काफ़ी अच्छी आई हैं। तो अब चलें खलिया टॉप की तरफ। यहाँ से खलिया टॉप 3 से 4 किलोमीटर बचा है, और यहाँ पे माउंटेन काफ़ी स्टीप था, तो आप सामने देख ही रहे हैं कैसी चढ़ाई है। It's been snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason, it's the winter. My body getting freezing, it's the winter. It's the winter. देखिए ऊपर से रेस्ट हाउस और टी पॉइंट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए मैं कितने ऊपर आ गई हूँ, नीचे जो रेस्ट हाउस और टी पॉइंट्स हैं देखिए वहां पे हैं। पूरे
खलिया टॉप का सबसे टफ पार्ट यही था। आप सामने देख ही रहे हैं कैसी चढ़ाई है और काफी स्टीफनेस थी यहाँ पे। बर्फ की डेंसिटी लगातार बढ़ने के कारण मेरी जीन्स घुटनों तक गीली हो चुकी है और हो सकता है आगे बर्फ और ज्यादा हो, तो देखते हैं आगे चल के। ये व्यू इतना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि मैं हाइट में आ चुकी हूँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पूरा रास्ता अभी चल के बना हुआ है, यहाँ पे पूरा प्लेन था, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, अपने हिसाब से चल के रास्ता बनाया। नीचे तो रास्ता समझ में आ रहा था तो उस रास्ते में चलते गए, बट यहाँ पे रास्ता बिल्कुल बना हुआ नहीं था। 8 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद और इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो व्यू आ रहा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आप देख ही रहे हैं, बहुत प्यारा है। कैमरे में वैसे भी ये चीज़ें कैद करना बहुत मुश्किल है। और देखिए सामने आस्था तो हर जगह होती है, तो आपको एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा खलिया टॉप में, और अभी वो मंदिर बर्फ़ से ढका हुआ है तो सिर्फ हमें घंटी दिखाई देगी। देखिए सामने से 4-5 लोग और आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर तुम किसी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता बना के दो। तो दोस्तों ये मंदिर तक पहुंच चुके हैं, ये है खलिया टॉप और इससे ऊपर 0 पॉइंट है, वहां भी आप जा सकते हैं, पर बर्फ़ की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण आप देख ही रहे हैं कि मेरे पाँव में घुटने तक बर्फ़ आ चुकी है, तो इसलिए मैं वापस जा रही हूँ नीचे को। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा शेयर करिए। बाय बाय।